डॉक्टर राहुल भार्गव किसकी गलती है, राज्यों की या केंद्र की? अभी अभी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कहा कि भाई हमने तो आंकड़ा जमा ही नहीं किया। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात, ऑक्सीजन के चलते हुए लोगों की मृत्यु हुई। एक संपादक ग्रुप के अनुसार 178 लोगों का डेटा इकट्ठा किया जो पब्लिक डोमेन में है। 28 लोग गंगाराम में, 25 लोग जयपुर गोल्डन में, 12 लोग बत्रा में। हम सब जानते हैं कितना हाहाकार था, ऑक्सीजन की कमी थी क्योंकि सैलाब बहुत बड़ा था। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी हम डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, टेक्निकलिटी समझिएगा दीपक जी, उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ। वो डेथ सर्टिफिकेट सरकार को भेजा जाता है और सरकार उसको आगे आंकड़ों में आईसीएमआर को आंकड़े जमा करके दे देती है। तो टेक्निकलिटी के हिसाब से कहीं पे भी डेटा में ये नहीं लिखा जा सकता कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई। बट क्या ये राजनीति करने का विषय है? क्या हम इतनी देर से जो ये बहस सुन रहे हैं पिछले 30 मिनट से, सिर्फ इसमें दोषारोपण हो रहा है कि गलती क्यों है? क्योंकि मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। आम आदमी क्या सुनना चाहता है कि आतिशी से कहना चाहता है, सुनना चाहता है कि हाँ हमारे एरिया में 40 लोगों की मृत्यु हुई, हम मानते हैं ऑक्सीजन की कमी थी, सैलाब था, इटली में भी यही हालत थी, अमेरिका में भी यही हालत थी, लेट्स मूव ऑन, आगे नहीं होगी, हमें यह सोचना आवश्यक है। सेंटर को भी यही बोलना है, पर मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। आज भी हम दोषारोपण करके एक दूसरे पे छींटाकशी करके ब्राउनी पॉइंट बनाना चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेसी 75 साल में वो होनी चाहिए थी जो अच्छा काम करके अपना नंबर्स बनाती। यहाँ पे लड़ाई है, देखिए किसी भी स्टेट, कोई स्टेट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है दीपक जी, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप एक भी जने से बुलवा दीजिए कि हवाले से, जितने भी पत्रकारिता के हवाले से है, किसी के जगह पे भी एक भी मृत्यु नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, सुबह से कहा महाराष्ट्र में नहीं हुई, तो ये लोग कौन थे जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए? ये कौन से 178 लोग थे जिनकी सूची पब्लिश की गई? वो कौन था जिसने आरटीआई पब्लिश कराई 7 मई को, जिसका आज तक रिप्लाई नहीं मिला कि एम्स में, जिपमेर में, दिल्ली में कोई आंकड़ा नहीं है? आंकड़ा होगा कैसे, क्योंकि आंकड़ा रखा नहीं गया। हो गया ये बात को, अब इसको यहीं पे विराम देके कैसे आगे चल के मिलजुल के देश की पब्लिक ने जिसे आपको चुना है राजनीतिकों को, उसको हमारे को सॉल्व करना आवश्यक है। लोग मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। 22 अप्रैल का ट्वीट देख लीजिए जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो रही है। मैं कुछ कहना चाहूंगी, ठीक है दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी, ठीक है, सीधे अभय दुबे जी के पास चलते हैं। अभय दुबे जी मुझे बताएं, आतिशी जी मैं आता हूं आपके पास, मुझे थोड़ा सा वेट करिए, दो लोग बोलने के लिए बचे हैं। अभय दुबे जी, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कहा कि भाई ना तो ये आईसीएमआर के कॉलम में था, ना हमने एडिशनल डाटा जमा किया। अब मुझे आप बताइए गलती किसकी है, राज्य की या केंद्र की? देखिए दीपक जी, मैं तो बहुत हतप्रभ हूं कि केंद्र सरकार, और क्या इस पर राजनीति उचित है जो राहुल भार्गव जी ने उठाया मुद्दा? नहीं, मैं राहुल भार्गव जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं हतप्रभ था ये बयान पढ़ के कि केंद्र की सरकार ये जवाब कैसे दे सकती है कि राज्यों ने ये जानकारी मुहैया कराई, उसके आधार पर हम कहते हैं कि कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई।